असलम डे लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो चूंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर uh, हमने ये सोचा कि वाई नॉट कि हम आपसे कुछ डिजिटल एजेस और उससे रिलेटेड इशूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ग्लोबल मार्केट में जाने का एक तरीका जो है वो uh, इंटरनेट भी है यानी कि डिजिटली भी आप इंटरनेशनल uh, मार्केट्स में जाके सेल कर रहे होते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आजकल तो बहुत रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च ये है कि हाउ डिजिटलाइजेशन इफेक्ट्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इफ आई कैन रिमेंबर एक टर्म आपके साथ हमने शेयर की थी बॉर्न इंटरनेशनल यानी होता है ना हमारे जहनों में एक आइडिया बैठ जाता है कि एक नई फार्म बनी है वो नई फार्म ने आहिस्ते आहिस्ते पहले लोकल मार्केट में ऑपरेट करना शुरू किया है फिर लोकल मार्केट में ऑपरेट करने के बाद वो मार्केट के अंदर चूंकि बहुत अच्छा वो ऑपरेट कर रही थी सो दे डिस टू एक्सपैंड देर मार्किट्स और मार्किट एक्सपेंशन के अंदर ने कहा कि वाई नॉट टू एक्सपोर्ट द आइटम तो फिर हम जाते हैं इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ ठीक है बट देर आर मैनी सिटीज लाइक हम सियालकोट की बात करते हैं गुजरवाला की बात करते हैं वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज पहले ही हाथ लगते ही एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं एंड देट डायरेक्टली डीलिंग इन यू नो इंटरनेशनल मार्किट्स सो देश दिस इज कॉल्ड बोन इंटरनेशनल यानी आप कारोबार शुरू ही इंटरनेशनल मार्केट्स में करते हैं सो so अगेन जो जितनी तेज़ी से अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम जो हैं इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं दूसरी अहम बात वो अहम बात यह है कि पहले एक छोटी सी दुकान थी वो दुकान कोई ना कोई चीज़ बना रही थी और बनाने के बाद वो चीज़ उसको बेच रही थी अब चूँकि इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है अब कस्टमर डायरेक्टली ख़ुद बाहर से चीज़ मंगा सकता है तो जो चीज़ पाकिस्तान में एक ऑन्टरप्रनीर ख़ुद बना के मार्केट में बेच रहा था अब इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो और वो इतनी सस्ती प्रोडक्ट इतनी सस्ती क्वालिटी के साथ आ रही है कि पाकिस्तानी ऑन्टरपनीर पाकिस्तानी इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को उस उस लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बना नहीं पाई है डे एंड के ऊपर बिकॉज उनको नुकसान हो रहा था सो दे क्लोज़ द इंडस्ट्री और अब वो सिर्फ ट्रेडिंग की तरफ आ गए यानी कि जो भी चीज़ इम्पोर्ट आ रही है उसको ख़रीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं सो डिजिटलाइजेशन ने आपके कहना कि आपका बिजनेस बहुत ही स्मॉल है और आप लोकल मार्केट में डील करते हैं और आप पे इफेक्ट नहीं होगा द आंसर इज नो यू आर सीरियसली गोइंग टू हेड बाय द डिजिटलाइजेशन पेस कितनी क्विक है ये लाइक वाइज इफ़ यू आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट्स इन द ग्लोबल मार्केट्स तो भी आपको इंटरनेट uh, का सहारा लेना पड़ता है जिसको हम इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स कहते हैं वैसे तो ई e कॉमर्स के इशूज हम ऑल रेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि ई e कॉमर्स ने बेसिकली पेस क्यों पकड़ी है बहुत ज़्यादा फेमस क्यों होगी ई कॉमर्स हर कोई चीज़ ऑनलाइन आके क्यों बेचना चाह रहा है ये ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गई है ये सर्विसेज ऑनलाइन इतनी ज़्यादा क्यों बिकना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑनलाइन की वजह से एक मुकम्मल तौर पे नई डिजिटल स्पेस क्रिएट हुई जिसकी वजह से लोग जाके चीज़ों को बेच रहे थे कहाँ वो फिजिकल मार्केट थी और फिजिकली आपको मार्केट में जाके अपनी बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ता है ना कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट करनी पड़ती है एकदम से डिजिटल मार्केट मिली और वो डिजिटल स्पेस क्रिएट हुई एक पूरी नई मार्केट क्रिएट हुई सो इट ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द फर्म्स नंबर टू पहले uh, आप चीज़ बेच रहे थे uh, जिसे कहते हैं सिर्फ़ एक मुल्क के अंदर अब आप चूंकि आपके पास uh, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है आपके पास uh, जहाज़ अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है एक्सपोर्ट इम्पोट बढ़ गई है आपके पास पेमेंट के तरीके बहुत बढ़ गए हैं बहुत अच्छे बहुत बेहतर हो गए हैं सो so, इसलिए अब आप प्रोडक्ट ना सिर्फ अपने लोकल कस्टमर्स को बेच सकते हैं बल्कि बाहर के कस्टमर्स को भी बेच सकते हैं तो इट एक्सपैंड बेसिकली योर कस्टमर बेस फिर उसके बाद नई नई प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं जो लोकल मार्केट में नहीं चलती लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत कामयाबी से चल गई और कुछ नई मार्केट्स भी डेवलप हो गई ठीक है ना जैसे हमने कहा कि लोकल मार्केट्स हैं लोकल मार्केट के बाद आपको लगा कि कोई और मुल्क है जहाँ पर ये चीज़ बिक रही है और बेहतर तरीके से बिक रही है सो आपने नई मार्केट भी डेवलप कर ली वट सो एवर दे आर इ ऑफ रीजनस जिसकी वजह से इंटरनेट बेस्ड जो ट्रेडिंग है बिजनेसिस हैं वो बढ़े हैं आपके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें दरास डॉट पी के है इट इज़ गोइंग इंटरनेशनल अली एक्सप्रेस डॉट कॉम इट गेट्स इंटरनेशनल इसी तरह बड़ीजे डॉट कॉम जो है एक वेब, आपकी जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाइए तो वो आपको बताते हैं कि अगर आपने कपड़े खरीदने अगर आप लोकल हैं तो आप लोकल, है, तो आप लोकल है, जो है उसके ऊपर अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान एंड इफ़ यूर एन इंटरनेशनल कस्टमर तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए यू कैन बाई एनी थिंग ऑनलाइन ऑन द ब्रीज है इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड देन लेट यू नो कि आपने वो प्रोडक्ट कैसे रिसीव करनी है सो दिस इंटरनेट बेस्ड जो इकानमी है इसने बेसिकली आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नई मार्केट न्यू कस्टमर बेस जो है वो uh, वो ले आए हैं अच्छा अब इसके अंदर कुछ बड़ी अहम कन्सिडरीशनज़ होती है। बहुत international हैं अगर आप और इंटरनेशनल आई इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाह रहे हैं ग्लोबलाइज मार्केट्स को इन्जॉय करना चाह रहे हैं तो कॉन्सिडरीशनस ही बहुत सीरियस हैं आपने देखा होगा कि इस तरह की सारी जो आ, हमने कहा था कि ऑनलाइन जो चीज़ें बिक रही हैं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाहते हैं इस तरह से आप जैसे ना अली एक्सप्रेस पे गए और जाके वहाँ पर अपना स्टोर ओपन कर लिया और आपके जो कस्टमर्स हैं वो आ, किसी भी मुल्क से हो सकते हैं तो उसके अंदर जो बहुत अहम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी एक्सचेंज पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिसी पेमेंट पॉलिसी पेमेंट के मेथड्स क्या, क्या होंगे लॉजिस्टिक्स किस तरह से आप मैंटेन करेंगे यानी अगर मैंने अली एक्सप्रेस पे पाकिस्तान में बैठे हुए बैठे ऑर्डर किया है और वो कोई चाइनीज़ जो है वो रिटेलर है तो वो किस तरह मुझे मेरे घर में पाकिस्तान में प्रोडक्ट पहुंचाएगा, उसके लिए लॉजिस्टिक्स क्या है ऑर्डर में किस तरह से ट्रैक कर पाऊंगी इसके अलावा ऑनलाइन जो इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है उसमें आपने देखा होगा एक सेक्शन जो है एफ का पूरा मेनटेन किया होता है जिसमें वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन खास तौर पे लीगल एस्पेक्ट्स को वो कवर कर रहे होते हैं और एक बात याद रखिएगा जब आप डिजिटल एज का सबसे बड़ा कंसर्न दैट इज़ कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट अगर आपकी प्रोडक्ट आपके पास आ गई है और मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ और आपने अली एक्सप्रेस पे दुकान खोली हुई थी और वहाँ से चीज़ मेरे पास आई है तो आप चाइना में बैठ के अपना बिजनेस डील कर रहे थे यू आर अ रिटेलर ओवर देयर बट मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये इट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी मैंने उसकी पिक्चर ली उसको अपलोड किया नीचे बहुत बैड कॉमेंट्स लिखे आ, स्टार रेटिंग भी सिर्फ हार्डली एक या दो की तो दिस इज़ आई एम द कस्टमर एंड आई एम क्रिएटिंग अ कॉन्टेंट ऑन द इंटरनेट ठीक है दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर जनरेटेड कॉन्टेंट इस वक्त जितने भी बिजनेसेस हैं जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन है उनको कस्टमर जनरेटेड कंटेंट का बहुत एक चैलेंज है जो उनको फेस करना पड़ता है और वो कंटेंट किस तरह पॉजिटिव होगा किस तरह रेटिंग्स अच्छी होंगी किस तरह कमेंट्स अच्छे आएंगे क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स पढ़ के डील कर रहे होते हैं पढ़ चीज़ ले रहे होते हैं आपकी ठीक है अच्छा सो ये सारी चीज़ें कॉन्सडेशन बहुत अहम हैं इश्यूज़ क्या हैं ई बिजनसेस के या ई e कॉमर्स के एक तो ऑनलाइन इंटरनेट uh, के ऊपर द कॉम्पिटिशन इज़ रियली वेरी ब्रूटल जो इंटरनेट के ऊपर आया है उसने हर इंटरनेट की हर वेबसाइट देख लेनी है अगर इफ़ ही और शी वांट्स टू बाय लेट इज़ सपोज अ कैमरा तो कंपटीशन इज़ ब्रूटल आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं अब एक से दो दो से दो दो से तीसरी दुकान देखते हैं बट व्हेन यू आर ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट आप हर वेबसाइट खोल लेते हैं नंबर टू इंटरनेट के ऊपर आपको टाइम लगता है बिकॉज़ आप भी अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं कस्टमर्स भी अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं कस्टमर के पास एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उस सारे के बीच में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये चीज़ होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने ऑनलाइन रखी हुई थी वो आप बेच रहे थे एट एनी टाइम गवर्नमेंट यानी अदर गवर्नमेंट अनाउंसेज के जी इसके ऊपर बैन लग गया है तो आपकी प्रोडक्ट वो जो पड़ी हुई है वहाँ पर वो किसी वक्त भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है Uh, बाजात ऐसा होता है कि जो uh, आपके पास आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है टारगेट ट्रैफिक होती है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे होते आपकी कोशिश होती है कि कम अज़ कम एक दिन में एक हज़ार दो हज़ार या चार हजार हेड्स आएँ आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो लोग प्रोडक्ट देख भी रहे स्पेसिफिकेशन देख भी रहे हों लेकिन आप नोटिस नहीं हो पा रहे होते तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ करना पड़ता है और उसके लिए सर्विसेज मौजूद हैं फिर उसके अलावा आपने शॉपर्स को एक्चुअली पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करना है इंटरनेट पर इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम सब जाते हैं सब प्रोडक्ट देखते हैं सब स्पेसिफिकेशंस देखते हैं और हम कंपेयर भी कर रहे होते हैं लेकिन क्या हम बाय भी कर रहे हैं दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू ट्राफिक बहुत हो जाती है कस्टमर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं बट एक्चुअल परचेज बहुत कम है फिर उसके बाद आपने कौन सा टेक्नोलॉजिकल टूल इस्तेमाल करना है आपकी लीगल इश्यूज खास तौर पे, पे पेमेंट के हवाले से आप सोचेंगे कि मैंने अमेजोन डॉट कॉम पर जाकर एक दुकान खोल लेनी है पता चलता है कि अमेजोन पर अगर आप दुकान खोलते हैं और पाकिस्तान में कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं तो उनके पास पेमेंट मैथड ही कोई नहीं है फिलहाल जिस तरह पे पॉल के बार बारे में बहुत दफ़ा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दिस इज अ डिफरेंट डिबेट सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आपके पेमेंट मैथड्स क्या होंगे और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ प्रोडक्ट डिस्प्ले आप कैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे आपके प्रोडक्ट खास तौर पर अगर वो कपड़ों के हवाले से हैं, तो नीचे लिखा होता है कि वट्स ओ एवर यू कलर वट्स ओ एवर द कलर इज़ एविडेंट ऑन द पिक्चर इट मे डिफरेंट एक्चुअली सो अगेन आपका प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले हो रहा है कितनी नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है इस कॉन्टेंट को डेवलप करने के लिए भी अब तो पूरी पूरी टीम हायर की जाती हैं इश्यूज़ इससे भी कहीं ज़्यादा है आपको सिर्फ सेंसिटाइज़ किया है कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो इंटरनेशनल और आपने डिजिटल मीडिया यूज़ करने का इरादा कर लिया है डिजिटल मीडियम यूज़ करने का इरादा कर लिया तो वो डिजिटल मीडियम इतना आसान नहीं है मेक इट श्योर के अहम कॉन्सिडरेशंस आपने अपने जहन में रखी हुई है बिफोर गोइंग इंटरनेशनल थ्रू द डिजिटल मीडिया सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो